नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube चैनल आदर्श सिंह रेस्क्यू में। अभी बगल के गांव में एक नाग, जिसको बोलते हैं इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा, जो बहुत ही खतरनाक न्यूरोटॉक्सिक नामक जहर से लेस है, वो देखने को मिला है। काफी मेहनत करने के बाद, काफी कोड़ने के बाद अभी वो मिला है। अभी ये दिल है, अभी दिखाते हैं आपको। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। दिखाया तो कितने छुई, मोबाइल छोड़ दे, डर लागे ते भागलो छ, डरो लागे छु, मोबाइलो पकड़े छ, मोबाइलो पकड़े छ, ओते छु एने उ बुलाई ने, उ बुला ने, हां गा रे उ रे उ लकाओ उत्तर के उत्तर को उत्तर रहने छ ₹100 ए भागे भागे बाबू की खार देबे गिरी एचरा छोड़वा बेकार मोबाइल हम आ गए तो ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। इसको हम डब्बा में पैक करेंगे। डर से स्माइल कर दिए हैं, इससे ज्यादा करने का जरूरत नहीं है। हमारे ये इंसान की बस्ती में रहते तो बहुत ही खतरा होता, किसी बच्चे का अगर पैर पड़ जाए तो उसे काट लेता। अगर ये उसको काट लेता तो इंसान का मरना तय है, क्योंकि गांव में अक्सर अंधविश्वास में लोग रहते हैं। क्योंकि बिहार में बड़े बड़े आईएएस आईपीएस लेते हैं, बिहार से पढ़ाई करते हैं, लेकिन फिर भी छोटी सी अंधविश्वास के कारण अगर कोई सांप काट ले तो अजादामी के चक्कर में रहने से वो मर जाते हैं। लेकिन ऐसा खतरनाक सांप काटे तो तुरंत अपने नजदीकी अस्पताल में जाएं, जहां पे इसके अंदर न्यूरोटॉक्सिन नामक खतरनाक जहर होता है, और इसके काटने के लिए मात्र एक एंटी वेनम सीरम ही उपयोगी है, जो कि आपके नजदीकी सदर अस्पताल में ही मिलेगा। तो आइए फटाफट से इसको पैक करते हैं। तो इसे फटाफट डब्बे में पैक करते हैं। वीडियो देखने के बाद आप लोग ऐसा करने का कोशिश ना करें, क्योंकि ये काम एक एक्सपर्ट के लिए है। ये इस तरह इंसान सांप से डरते हैं, उसी तरह सांप भी इंसान से डरते हैं। तो अभी इसको पकड़े हैं तो ये डर से देखिए कितना माइल निकाल रहे हैं। हेलो, थर थर कर छोड़ भाग की कच्चे सिस्टम से घुसे वीडियो देखने के बाद आप लोग ऐसा करने का कोशिश ना करें, क्योंकि ये काम एक्सपर्ट के लिए है। सब काम खत्म भाग मरते बहुत पैक कर लिए हैं। और देखिए इधर कितना लोग थे, किसी ना किसी का पैर अगर इसे पड़ जाता चल तो मर जाता, और इसको काटने से मर जाता आदमी। तो अभी इसको लिए है, इसको जंगल में छोड़ेंगे। धन्यवाद।
सबके ले अब न खड़ा हो पीएम तो तोरा जे तो अथी मिल ए भगवान कौन सी भेज रे सपेरा भैया कौन सी नौकरी के छे ए शर्मा से छोड़ू तो अभी बगल के गांव से काफी मेहनत काफी खुदाई करने के बाद ये इंडियन स्पेक्ट्रल कोबरा को पकड़े हैं। तो जिस तरह के हम सारा वीडियो में बताते हैं कि कौन सांप कितना जहरीला है और उसके बारे में बताते हैं, ये काफी ही खतरनाक न्यूरोटॉक्सिन नामक जहर से लैस इंडियन स्पेक्ट्रल कोबरा जिसको नाग बोलते हैं, गांव में ह्यूमन बोलते हैं, अगर ये काटे तो तुरंत आपके अपने नजदीकी सरकारी हॉस्पिटल में जाएं, कहीं इधर उधर हो जाए धामी के चक्कर में ना रहें, क्योंकि इसका जो जहर है इसका सिर्फ एक ही इलाज है, इसका एक ही दवाई बना है एंटी वेनम सीरम, और इसके अलावा कोई दूसरा कोई वजाधामी के पास कोई तंत्र मंत्र जड़ी बूटी न्यूरोटॉक्सिन नामक के अलावा कोई काम नहीं करेगा। इसको अभी निकालते हैं, ये जंगल का वातावरण है, पर्यावरण में जीवों को रहना बहुत ही जरूरी है। तो जिस तरह इंसान को जीने के लिए पर्यावरण चाहिए, पेड़ पौधे चाहिए, उसी तरह उस पर्यावरण में सांप का भी रहना जरूरी है। खास करके किसान के लिए तो ये एक तरह से वरदान का है, क्योंकि खेतों के बहुत सारे चूहों को ये खाते हैं, जिससे इंसान किसान को बहुत भलाई होती है। तो गांव में रहते तो इसे मार देते, इसलिए हमने इसे गांव से रेस्क्यू किया और जंगल में रिलीज करेंगे ताकि ये अपने वातावरण में रहे। देखिए अभी इसको रिलीज करते हैं। यही है इंडियन स्पेक्ट्रल कोबरा। बहुत ही खतरनाक सांप है, न्यूरोटॉक्सिन नामक जहर से लैस। वो उसके साथ ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इसका फन दिखाते हैं। ऐसे गाड़ी है ब्रोल चू रुक जाओ राजा आराम से वीडियो देखने के बाद आप लोग ऐसा करने का कोशिश ना करें, क्योंकि ये एक एक्सपर्ट के लिए है। ड्राइवर साहब अभी बगल में पटरी है, रेलवे लाइन है, और इसको यहाँ नहीं छोड़ेंगे, उधर जाके छोड़ेंगे, क्योंकि अगर ये गलती से भी पटरी पे आ गए तो ट्रेन से इसकी मौत हो सकती है। और हमारा भी यही संकल्प है कि पर्यावरण में जीव जंतु सांप बचे रहे, जीवित रहे। तो अभी उधर जंगल में रिलीज करेंगे, अगर यहाँ छोड़ दिए तो गलती से भी अगर ये ट्रेन के पास चले गए तो काफी खतरा हो सकता है इसके लिए। अगर पटरी पे चले गया तो ट्रेन से इसकी मौत हो सकती है, क्योंकि ये बहुत ही रैश सांप है, बहुत ही खतरनाक सांप है। तो खतरनाक इंसान के लिए है, जिस तरह सांप को देख के इंसान डर जाते हैं उसी तरह इंसान को भी देख के सांप डर जाते हैं। तो ये सामने के एक्सपर्ट के लिए है, आप लोग इसे देख रेखा करने की कोशिश ना करें। ये अभी ट्रेन पास होगी तो इसे साथियों को जंगल में इसको छोड़ेंगे ताकि ये किसी का घर में ना जा सके, इंसान बस्ती में ना जा सके, और ये पटरी के आसपास भी ना आ सके, क्योंकि इसको अभी उधर तो इसको अभी पटरी से दूर जंगल में छोड़ेंगे, क्योंकि फिर से इंसानी बस्ती में ना जा सके और इंसान से इसका सामना ना हो, क्योंकि अगर इंसान से इसका सामना हुआ, अगर या तो इसके काटने से इंसान की मौत हो सकती है या फिर इंसान इसको देख के इसे मार सकते हैं, क्योंकि डर से इंसान कुछ भी कर सकते हैं। तो मेरा हाथ जोड़ के सभी से निवेदन है कि कहीं भी सांप दिखे तो उसे मारे नहीं, कोई भी जीव जंतु को मारे नहीं, हमें बुलाएं। अगर कोई भी जीव जंतु संकट में है तो उसकी सहायता करें। इधर जंगल है, बड़े बड़े पेड़ के लिए वृक्ष बने हुए हैं, तो यहाँ अभी छोड़ेंगे इसको।
चाहिए, इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा है, बहुत ही खतरनाक न्यूरोटॉक्सिन नामक जहर चल रहा है। सही है, तो इसको छोड़ देते हैं अभी, ये पर्यावरण का चीज है तो जाने देते हैं, इसके साथ ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ये यहाँ रहेंगे सुरक्षित रहेंगे क्योंकि पर्यावरण ही इसका घर है। अभी इंसान जंगल को काट काट के इंसानी बस्ती बना लिए हैं, इंसान जंगल को काट काट के इंसानी बस्ती बना लिए हैं, तो ये बेचारे कहाँ जाएंगे, तो पर्यावरण के लिए है कि जा रहा है ये। पर्यावरण में बचे रहना इसका बहुत जरूरी है। न्यूरोटॉक्सिन नामक खतरनाक जहर से लैस इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा, जो कि आपको बताते हैं प्रत्येक वीडियो में, मेरा प्रत्येक सांप से के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी रहता है, तो आप लोग से निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, आधा देख के वीडियो ना छोड़ें, बिना स्किप किए हुए वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि सांप के बारे में जानकारी प्रत्येक इंसान को होना बहुत ही जरूरी है। तो इसे अभी यहाँ छोड़ देते हैं, ये जंगल में चले गया, पर्यावरण ही इसका घर है। तो हमारे वीडियो के साथ, सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और अभी तो रुको, क्लाइमेक्स अभी बाकी है। डिपन कहाँ से? नमस्कार दोस्तों, अभी फरीदगंज आया है, यहाँ पे बगीचा चौक से थोड़ा सा आगे प्रोफेसर कॉलोनी, प्रोफेसर कॉलोनी जगह है, इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा है जो कि बहुत ही खतरनाक जहर से लैस, जिसको ये गांव में बबूल बोलते हैं, लेकिन इसका ओरिजिनल नाम इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा है जो बहुत ही खतरनाक जहर से लैस है। आइए से व्यक्ति करते हैं देखे हम आइए हटो और आगे। अरे भैया आप वहाँ छोड़ दीजिए ना, यहाँ यूट्यूब पर है ना, देख लियो हटो थे बैक गियर लगवा था, हट सो पीछे जा, तू पीछे जा सो पीछे, गियर से निकल यार, कुआं धुआं निकल रहा है, हाँ बैक गियर ले यार, लड़ गया आप इसे बंदे करो पैर से करो करके धुआं कहाँ से धुआं अभी आइए धुआं दूर कर बड़ा सा डब्बा लगे तो बड़ा सा डब्बा लगे डब्बे तो वही रूम में है, वो जब तक वो नहीं निकलेगा डब्बा ऐसा तो डब्बा बाहर काम कर चुका है, वो डब्बा उठ कर ले डब्बा वही रूम में छोड़ बता देगा डब्बा दे दीजिएगा बहुत ही बड़ा सा अच्छा है, बोला लगा बोला
बड़ा सा डब्बा लीजिए, बड़ा सा डब्बा है। यार की जात लेकर के जाना पड़ेगा प्लासी। शांत रहिए। बोल बहुत लोगों का कहना है कि ये सब सांप जड़ी बूटी से कंट्रोल होते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक ट्रिक है। और ऐसा सांप काट ले तो तुरंत आप लोग को सबको हम यही सलाह देते हैं कि तुरंत हॉस्पिटल जाए, ना कि कोई वजह धर्मी के चक्कर में रहे और ना ही कुछ जड़ी बूटी के चक्कर में रहे। नहीं लाए हैं डब्बा, नहीं लाए हैं इस होकर के बोलिए ना आने के लिए। रूम जाइए ना, आप ही लोग में से कोई जाइए ना रूम में, कौन डब्बा निकाल कर क्या जाइए ना। किसका इस वक्त बोलिए ना, लेकिन हमन बोलते हैं गाँव में। हाँ बोलिए, इसमें मुड़ी चला अंदर से खोले ना, खोले ना, इसको खाली कीजिए भैया, खाली खाली करने के लिए बोल रहे, खाने के लिए थोड़े ना बोल रहे हैं। हटिए तो इधर से, हम बोले पैक करने का, हटिए तो। आप ही लोग कर लीजिए, मैं अभी लोग कर लीजिए, इस जगह भी अंदर रहा वीडियो करेंगे थोड़ा सा भी। ओए लाइट आया खराब है, डेरिंग पोस्ट करना पड़ेगा। बहुत ही बड़ा फाइट है, इंडियन इंस्पेक्टर कोबरा है जो कि बहुत ही खतरनाक जहर से लैस है। ये अगर किसी को बाइट कर ले तो तुरंत आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए, कोई औजा धामी कोई जड़ी बूटी इसका इलाज नहीं कर सकता है, क्योंकि हम खुद आपसे अनुग्रह करते हैं कि ऐसा सांप अगर काटे, कोई भी सांप काटे, तो कोई भी अंधविश्वास में ना रहे, क्योंकि इस सांप का जहर कोई भी औजा धामी जड़ी बूटी वैद्य बाबा के पास नहीं है, उसका एक ही इलाज है, एंटी वेनम सीरम, एक सुई आता है जो कि आपको आपके नजदीकी सरकारी हॉस्पिटल में मिलेंगे, उसी वही इसका इलाज है। तो ऐसा अंधविश्वास से ना रहे, और आजकल देख देख के बहुत ऐसे पकड़ने के लिए सीखे हैं जिसके कारण नया नया रेस्क्यूअर काट लेने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, तो ऐसा करने की कोशिश ना करें। हम लोग काफी ट्रेनिंग लेने के बाद ऐसा करना सीखे हैं, और हमको इसको पकड़ने से कोई लाभ नहीं मिलता है, बस एक मन में विचार है कि ये जीव मरना नहीं चाहिए, क्योंकि पर्यावरण में ऐसे सांप बहुत सारे नए नए सांप विलुप्त होते जा रहे हैं, तो इसको पकड़ के हम लोग को जंगल में छोड़ना है, इसको पकड़ के जंगल में छोड़ना है,
जाइए कोई दिक्कत नहीं है, नांगर पकड़ पकड़िए पकड़िए जिसको छूना छू लीजिए। ये है ये नहीं 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 जय श्री राम जय महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हाँ दो हैप्पी ऑक्सीजन के लिए बना रहे हैं ताकि ये सांस ले और से कुछ हो नहीं छोड़ देगा जंगल में छोड़ देंगे ताकि ये फिर जिंदा है अगर यहाँ रहता तो कोई ऐसे आदमी दूर नहीं छोड़ते हैं इधर नहीं छोड़ते हैं यही को नाम है घर का को नाम है रोड पे मैं हम भी टच किए मजा आ गया हम भी टच किए अपन का हाँ दो थोड़ा हाथ हो हाथ हाँ सोनू वो अंदर कुछ चाल ठंडी का मौसम है ना ठंडी का मौसम है ना इसलिए स्लो हो गया था सॉफ्टवेयर इसका काम नहीं कर रहा था। अच्छा ला तू इधर घुमा अभी हमने जो रेस्क्यू किया था उसे सफलतापूर्वक इस डब्बे में पैक कर लिया है इसे ऑक्सीजन के लिए बना दिए गए ताकि ये सांप जीवित रहे और पर्यावरण में से छोड़ेंगे क्योंकि ये पर्यावरण का चीज है और पर्यावरण में सुरक्षित रहेंगे क्योंकि जानवर है तो हम लोग सुरक्षित हैं। ये सांप खास करके किसान के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है तो इसे खास करके खेती में ही छोड़ने में ही फायदा है क्योंकि ये चूहे को खाते हैं और फसल को बर्बाद होने से बचाते हैं। धन्यवाद। तो अभी प्रोफेसर कॉलोनी में हमने एक स्नेक रेस्क्यू किया था तो आते टाइम यहाँ ऐसा जगह है जहाँ कोई भी आदमी नहीं आता जाएगा तो यहाँ पे अभी इसको रिलीज कर रहे हैं। बहुत पुराना जंगल जंगल का चीज है तो जंगल में रिलीज करना जरूरी है। ये बहुत ही बड़ा साइज का इंडियन स्पेक्टल कोबरा है जो कि घर में छिपा था और बहुत ही ज्यादा नुकसान दे सकता था इसके साथ ज्यादा छेड़छाड़ न करते हुए जब रिलीज करेंगे। चला गया है जंगल में जा रहा है बहुत पुराना जंगल है। देखिए अभी
ये जंगल में जा रहा है। देखिए ऐसा जगह है जहाँ की ये सुरक्षित रह पाए और पर्यावरण में जीवित रहे। हमने इसे आज बचाया है, एक नया जीवन दान दिया है, क्योंकि घर में रहता तो कोई भी इन्हें मार सकता था। जंगल में चले गया। धन्यवाद। हमारे फेसबुक पेज पे भी आदर्श स्नेक रेस्क्यू फेसबुक पेज पे बने रहें और उन्हें प्यार देते रहें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, अभी आए हैं एक फरवीगंज में, सोना का गोदाम है। तो यहीं पे एक इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा है। ठंडी का मौसम है तो इस समय में अक्सर कोई भी सांप ज्यादातर बाहर नहीं निकलते हैं। ऐसे सीजन में सांप ज्यादातर बाहर नहीं निकलते हैं। एक बार जहाँ जिसको जगह मिल जाए वहीं पे आराम से बैठे रहते हैं। 30 दिन 35 दिन एक बार भोजन करने के बाद बैठे रहते हैं। और उसी तरह यहाँ भी है। यहाँ लगभग ये सांप, इन लोगों का कहना है कि यहाँ 10 दिन से है। ये कहीं नहीं हिलते हैं ना ही डुलते हैं। तो आइए इसे निकलते हैं। ठंडी का मौसम है, उन्होंने अपना भोजन कर लिया होगा और यहाँ आराम से बैठे हैं। इसको बेकार भेज दिया ना, इसको रहने दो। क्योंकि बहुत ही बड़ा है और ये इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा है जो कि बहुत ही खतरनाक जहर से लैस होता है। खतरनाक जहर होता है? अरे नाग है, नाग है, नागी नाग है, नाग। इसको बड़ा कोई लीजिए तो क्या चीज है, कोई डंटा उंटा लीजिए ना बड़ा। अरे भाई नाग है तो, वाह नाग है। बुला ढीना को दिखा दे लागे। ए पटवाला बाबू उसको दिखा दे लागे, बुला के पटवाला बाबू बुला ना, बुला ना। नाग है, काफी बड़ा साइज का है। इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा बोलते हैं इसको। कोबरा कोबरा है, घर में इसे गोहमन बोलते हैं और नाग भी बोलते हैं। कोबरा है ये? हाँ कोबरा, नाग, इसे सारा कुछ बोलते हैं। तो इतना बड़ा है ये, देखो देखो देखिए कोबरा। देखो 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 इसी बोलिया आपका हाथ को टाइट से पकड़ लिया तुम। देख भैया कैसे हाथ में लपटल है, देखो पूरा हाथ को लपेट लिया गया तुम। इनका हाथ को पकड़ लिया पूरा, क्या किया कोटी कर रहा है, जहर फेंक रहा है, जहर है उसे, जहर फेंक रहा है, पैखाना करता है, पैखाना। आप देखिए
हम बहुत देखे हैं इससे बड़ा तो हम अकेला मारे अकेला दांत उसका हटा दिए क्या इसका बड़ा तो पॉइजन रहता है जिस इससे बड़ा हम अकेले मारे थे कैसे टट्टी जो है ना टट्टी में फसल था ऐसे ऐसे जा रहा था उसका ऐसे पांच हाथ बड़ा था इससे मोटा गरम चूना है ढकन देखो ढकन दे ढकन दे हाथ में चल रहेगा कितना देखिए बीस वाला दांत बोलते थे ना दिखाते हैं आपको छोटा सा देखे जो हाँ ये रहा है इतना बीस छोड़ दिया इस पे देखिये ये बीस छोड़ा देखिए सबसे ज्यादा खतरनाक बीस अगर किसी का खून में चले जाए बस उसका मरना तय अभी कहे कि पूरा आलस का समय है सारा कुछ ही पचा के रखता है देखिए अभी कितना छोड़ेगा देखिए एक बार में कितना छोड़ा है इसमें देखिए हाथ में ऐसे बॉडी बॉडी मारने से दिक्कत नहीं होती बॉडी मारने से दिक्कत नहीं ये खून में चले जाए तब दिक्कत खून में चला जाएगा खून में जाएगा तब दिक्कत खून में चला जाएगा छिरा हुआ ही लगता है साइड में इस साइड में इसके या इस जगह वो मतलब फन जो फैलाता है ना उसी का जगह है वो उसी का जगह है ऐसे जो करता है वही जगह अंडा निकलेगा ना हो भाजी अंडा निकलेगा इससे अभी नहीं निकलेगा अभी नहीं निकलेगा अभी इसका समय नहीं है प्योर गोहमन प्योर है डब्बा ढक्कन दीजिए प्योर है ठीक से बैठा जाइए बहुत हम लोग का शौक होता था समझे ना सुबह दे सुबह दे खेत बने सुबह दे सुबह दे अब दूसरा की हम लोग का डर होता था दिन डूबे के बाद अनार हो जाता कहाँ कैसे मिला दस दिन का यही पड़ा था बस ये हो गया दस पंद्रह दिन सुबह देना कुछ सुबह सुबह वैसे फट जाएगा और अच्छा बोरा चुना का बोरा समय था चुना का दस दिन से था काम करना चुना का बोरा दिन से हवा चाहिए ना गुड़ जाएगा बड़का ही पकड़ के ला गए बस ऑक्सीजन के लिए इसका बन गया है तो फारूसगंज में जो सांप को हमने रेस्क्यू किया था उसे आए यहाँ अभी रिलीज कर ले ऐसा जंगल है और घर से काफी दूर है यहाँ अभी इसको रिलीज करेंगे और ये पर्यावरण में जीवित रहेगा और सुरक्षित रहेगा
इसका पेट फुला हुआ कहीं बीच में खाया होगा, पूरा महीना का भोजन करके निकला। अब यहाँ इसको जैसे छोड़ दिए आप तो यहाँ पर खेत वाले यहाँ दिक्कत नहीं है, यहाँ कहीं भी बिल में चले जाएगा, इस सब में बहुत सांप हो। यहाँ छोड़ दिया, अभी ये जंगल में रहेगा और सुरक्षित रहेगा। धन्यवाद। सपेरा जब भी कोई बीन बजाता है तो उसकी जो पूंछ होती है वो उसके सामने ऐसे ऐसे करता है जिससे सांप नाचता है और दूसरे को बताते हैं कि। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। नमस्कार दोस्तों, अभी फरवीसगंज आए हैं तो भैया जी कॉल किए थे तो गोयल स्कूल के पास यहाँ एक बहुत बड़ा इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा है जो कि साइज में बहुत ही बड़ा है और रात को अभी कॉल किए हैं। तकरीबन कितना टाइम हो रहा है? 10 बज रहा है। तो ये कौन सा एरिया है? गोयल स्कूल। तो गोयल स्कूल के पास से अभी सूचना मिला है और हम अभी आए हैं रेस्क्यू करने के लिए। भैया लोग बहुत अच्छे हैं, इन्होंने मारा नहीं और तुरंत हमें सूचना दिया और आए हैं। हर समय की तरह इस बार भी इसे पकड़ेंगे, इसका रेस्क्यू करेंगे और इसे इसका स्थान जो कि जंगल है, पर्यावरण है, वहाँ इसे छोड़ेंगे। और आइए आपको दिखाते हैं। डब्बा कहाँ लाए? बहुत ही बड़ा इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा है जो कि देखने में इतना खतरनाक है जिसका जवाब नहीं है। देखिए ये छोटा है लेकिन बहुत ही ज्यादा खतरनाक। इसी का नाम इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा है, बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। ये छोटा साइज का है और डब्बा एक तो देखिए डब्बा लाके दीजिए। ये छोटा साइज का है लेकिन बहुत ही ज्यादा विशाल है और बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इसके काटने से तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए क्योंकि इसी के अंदर न्यूरोटॉक्सी नामक खतरनाक जहर रहता है जिसका अगर ये काट ले तो इसके अंदर ये अपना जहर छोड़ देता है और उसका एक ही इलाज है एंटीवेनम सीरम जो कि सरकारी हॉस्पिटल में मिलता है, आपके एरिया का कोई भी सरकारी हॉस्पिटल में मिलेगा, ये अन्य किसी जगह कोई ओझाधामी तंत्र मंत्र के पास नहीं मिलेगा। तो आप लोग अगर कोई भी सांप काटे तो हमें इन्फॉर्म करें और अपने नज़दीकी अस्पताल में जाएं और जिससे कि आपका जान बच सकता है। उतना छोटा होगा नहीं हो पाएगा, घुसबन करेगा। जो कि कोबरा प्रजाति का बहुत ही खतरनाक सांप है। कोबरा प्रजाति में दो तीन प्रकार के कोबरा होते हैं, मोनोसलेट कोबरा, ये स्पेक्टिकल कोबरा है क्योंकि इसके फन पे स्पेक्टिकल जैसा बना हुआ है। उसके अंदर खतरनाक न्यूरोटॉक्सिन नामक जहर है जो कि इंसान को मारने के लिए काफ़ी है। इसका थोड़ा सा बूंद इसका जहर वाला दांत दिखाते हैं। देखिए इसके अंदर ये खतरनाक जहर है जो कि अपने ग्रंथि से, इसका यहाँ विष वाला ग्रंथि है, ये विष का ग्रंथि है और ये खतरनाक जहर है। देखिए ये जहर छोड़ रहा है, देखें ये किसी को काटता है थोड़ा सा जहर उसका ब्लड में दे देता है जिससे कि ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है, धीरे धीरे आदमी को हार्ट अटैक आ जाता है और आदमी मर जाता है। और डब्बा नहीं लाया है, डब्बा नहीं है, बोरा पहले चेक कीजिए, इसको दो चेक करने पहले चेक कीजिए तो कहीं फटा हुआ है, छेद भी है थोड़ा सा।
अंदर में हाथ घुसा देखिए फटा हुआ तो लाइट बंद अपने लाइट बाहर निकल के पता चल थोड़ा सा फटा हुआ कोड़ा पड़ा ना जरा सा अभी जो ही हमसे फेल मारा है वैसे ठीक है कहीं कुछ नहीं है पूरा फॉर्म में फेल हाँ भेजिए नहीं तो कुछ है भेजने वाला YouTube पे सर्च कीजिए ना आदर्श स्नैक रेस्क्यू आ जाएगा चैनल स्नैक रेस्क्यू तो इसे हम डब्बे के अभाव के कारण इसे हम बोरा में पैक किए हैं तो खास करके बोरा में कोई भी नया रेस्क्यूअर पैक करने का कोशिश ना करें हम लोग काफ़ी प्रशिक्षण के बाद ऐसा करना सीखे हैं और खास करके डब्बा में पैक करना सुरक्षित होता है और इस बोरी में पैक करना थोड़ा खतरनाक होता है लेकिन एक्सपर्ट के लिए कोई भी चीज़ खतरनाक नहीं होता है तो वीडियो को लाइक दीजिए और आदर्श स्नैक रेस्क्यू चैनल को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए एक फेसबुक पे पेज है आदर्श स्नैक रेस्क्यू उससे भी लाइक कीजिए। तो रात के लगभग 10-11 बजे कॉल आया था तो हमने फरीदगंज के गोयल स्कूल के पास एक वहां से कॉल आया तो हमने एक इंडियन स्पेक्ट्रल कोबरा रेस्क्यू किया है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और बहुत ही बड़ा साइज का है और इसे तो हमने लगभग 10 बजे रात में रेस्क्यू किया पूरा रात हमने इसे रखा और आज अभी इसको रिलीज करने आए हैं जंगल में तो आइए दिखाते हैं और इसके बारे में कुछ जानकारी बताते हैं रखेंगे हम फिर एग्रेसिव हो चुका है और खतरनाक भी लग रहा है तो ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक सांप है और काफी मुशक्कत के बाद इसे हमने पकड़ा है और ये जंगल का चीज है जंगल में रहने वाला है तो इसके साथ ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करेंगे और जंगल में इसे जाने देंगे क्योंकि बहुत ही बड़ा साइज का है इसी के अंदर मोनोटॉक्सिन नामक खतरनाक जहर रहता है जो कि इंसान को काट ले तो तुरंत 1 घंटे के अंदर अगर हॉस्पिटल नहीं जाए तो उसका मरना तय है इसीलिए जैसा कि हम हर वीडियो में बताते हैं कि कोई भी सांप अगर काटे तो तुरंत उसे
हॉस्पिटल ले जाएं, क्योंकि सांप को बचाने का एक ही दवाई है एंटी वेनम सीरम, जो कि सरकारी हॉस्पिटल में है। देखिए इतना बड़ा साइज का है, वैसे तो ये शायद कट गया है, क्योंकि जब साल में कोई भी सांप दो बार तीन बार केचली छोड़ता है तो धीरे धीरे उसकी हाइट कम होती जाती है। देखिए इसका हाइट बहुत ही कम हो गया है, इंडियन स्पेक्ट्रल कोबरा, जो कि बहुत ही खतरनाक जहर चल रहा है। देखिए इतना एग्रेसिव है ये कि बाइट करने का बहुत कोशिश कर रहा है। ये काफी हद तक ऊंचाई तक उठ सकता है अगर ये गुस्सा हो गया है बहुत ज्यादा, और इसके साथ ज्यादा छेड़छाड़ ना करते हुए इसे जंगल में जाने देते हैं। ये इंडियन स्पेक्ट्रल कोबरा देखिए, उससे ये भी काफी थक चुका है और काफी ज्यादा वजन होने के कारण इसको बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो गया है। इतना ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करेंगे, और ऐसे ही छेड़छाड़ करने से ये बहुत गुस्सा हो जाते हैं और इंसान को बाइट कर लेते हैं, और इसका बाइट का एक ही इलाज है जो कि एंटी वेनम सीरम है। इसे भी जाने देते हैं, आराम से जंगल का चीज है, पर्यावरण का चीज है, पर्यावरण में रहेगा सुरक्षित रहेगा। वैसे काफी गुस्सा गया था ये, और कोई भी सांप गुस्साने के बाद वो अटैक करने की कोशिश करते हैं, और वैसे भी अटैक करते करते ये भी थक चुका है और हम भी थक चुके हैं। तो कोई भी सांप अगर काटे तो सबसे निवेदन है कि पहले हॉस्पिटल जाए, किसी वजह हम ही के चक्कर में ना रहे। इतना बड़ा साइज का है, बिग साइज इंडियन स्पेक्ट्रल कोबरा। आज बहुत दिनों के बाद इसे रेस्क्यू करने का मौका मिला है। इससे भी काफी पुराना अगर कोबरा रहता है तो इससे भी ज्यादा दूर तक हाइट तक ये अपना फन फैलाता है, जो कि इसका उम्र अभी लगभग 5 से 7 साल का होगा ये, और एक सांप की आयु कम से कम 20 साल होती है। कोई भी सांप 20 साल तक जीते हैं, जो कि अक्सर आप लोग देखते होंगे कि सपेरा आता है और सांप को निकाल के उसे गिन से नचाता है, तो वो एक कोई भी उसके पास कुछ नहीं होता, गिन से नहीं नचाता है, वो कोई भी चीज को मोमेंट्स को देखता है। जैसे हम ये बोरा इसके इर्द गिर्द से घुमा रहे हैं तो इसके फोकस करके ये नाच रहा है, तो इसी तरह वो सपेरा करता है और दूसरे को अंधविश्वास फैलाता है कि सांप नाचता है, ये होता है, सांप मनी उगलता है। ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी सांप ना मनी उगलता है ना ही कुछ करता है। वो एक कोई भी चीज हिलता हुआ चीज देखो मोमेंट करने के साथ साथ वो भी हिलते हैं। जैसे भी देखिए ये एक तरह से डांस ही कर रहा है, तो सपेरा जब भी कोई हीन बजाता है तो उसकी जो पूंछ होती है वो उसके सामने ऐसे से करता है जिससे सांप नाचता है, और दूसरे को बताते हैं कि यह नाग जो है डांस कर रहा है, नाच कर रहा है, नागिन नाच कर रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ ये एक मोमेंट हिलता हुआ चीज पे मोमेंट को फोकस करते हैं और उसी तरह से अपना सारा कुछ देते हैं। देखिए इधर आया
तो कोई भी चीज अगर अंधविश्वास में ना रहे, जहां भी सपेरा को देखें उसके साथ अगर सांप रहता है तो उसे सांप को लेके उसे जंगल में छोड़ने का कोशिश करें, क्योंकि कोई भी सांप जो है वो सपेरा के पास रहता है उसकी विष की ग्रंथि तोड़ देती है और उसके दांत को तोड़ देते हैं, तो वैसे सांप का तो दांत वापस आ जाता है लेकिन सांप की जो ग्रंथि है तू क्या देखो वो वापस नहीं आता है। ये तो कार रेसिंग कर लेते होते, देखो कितना आदमी जो थे जी बाइक रेसिंग जी, तो कोई भी सांप को अगर सपेरा पकड़ता है तो उसे दांत तोड़ देते हैं, तो दांत तो वापस आ जाता है लेकिन उसकी ग्रंथि विष की ग्रंथि वापस नहीं आती है, क्योंकि कोई भी सांप को अगर कोई चूहा खाता है तो उसे पचाने का क्षमता उसका जहर है, और सपेरा लोग क्या करते हैं उसे जहर की ग्रंथि ही निकाल देते हैं, जिससे कोई भी सांप कम से कम एक डेढ़ महीने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि ऊपर वाले ने इसे ऐसा नेचर दिया है कि बिना खाए पिए एक सांप 35 दिन तक 40 दिन तक जीवित रह सकते हैं। तो सपेरा के पास कोई भी सांप हो उसे विष ग्रंथि निकालने के बाद वो 35 से 40 दिन तक जीवित रहते हैं, उसके बाद वो मर जाते हैं, जो कि बहुत ही बुरा चीज है। और हम लोग का काम है कि सांप को पर्यावरण में जीवित रहना, अगर किसी के घर में निकलता है तो हमें फोन करते हैं और हम आधी आधी रात को उठ के जाते हैं और उसके घर से सांप को रेस्क्यू करते हैं और यहाँ ऐसे जंगल में छोड़ते हैं ताकि सांप बचा रहे, पर्यावरण में बचा रहे, क्योंकि ये सांप जो है पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा है। जिस तरह पेड़ पौधे पर्यावरण के लिए अच्छा चीज है उसी तरह सांप भी है। तो सबसे निवेदन है कि जहाँ भी सांप दिखे हमें बुलाएं, हम आएंगे उसे रेस्क्यू करेंगे और उसे इस तरह जंगल में रिलीज करेंगे। देखिए कितना अच्छा से फन फैला रहा है, इसके फन के पीछे एक इसका नाम इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा है। इसका नाम स्पेक्टिकल कोबरा इसलिए पड़ा है क्योंकि ये जो है पीछे से इसका स्पेक्टिकल टाइप का बना हुआ है। देखिए पीछे जूम करके, पीछे फन के पीछे एक इंडियन स्पेक्टिकल जैसा बना हुआ है, इसलिए इसका नाम इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा है। और कोबरा प्रजाति के 5-6 सांप ऐसे होते हैं जो कि कोबरा प्रजाति के हैं, कोई मोनोसुप्लेट कोबरा है, इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा है, किंग कोबरा है। तो ये स्पेक्टिकल कोबरा है, इसके अंदर भी वही न्यूरोटॉक्सिन नामक खतरनाक जहर है, उसके ज्यादा और कुछ नहीं है। लेकिन ये सांप बहुत समझदार होते हैं, ये जब भी काटते हैं तो इसका लगभग 70-80% बाइट फॉल्स होती है, उसमें वो जहर नहीं छोड़ते हैं, खास करके ये सांप। बाकी इसके अलावा अगर कोई करेत हो या फिर बैंडेड करेत हो वो सब सांप अगर काटते हैं तो फर्स्ट बार में ही अपना जहर छोड़ देते हैं। तो अक्सर देखते होंगे, कहीं भी सुने होंगे कि ये इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा जिसे कि गोहमन गांव में बोलते हैं, इसे काटने से लगभग 80-90% आदमी बच ही जाते हैं, क्योंकि ये सांप ही बहुत ज्यादा समझदार है, क्योंकि अगर काटते हैं तो फर्स्ट बाइट में अपना जहर नहीं छोड़ते हैं। वैसे तो कोई भी सांप काटते नहीं है, जब तक हम उसे परेशान नहीं करेंगे, अगर उसके ऊपर पैर नहीं देंगे तो कोई सांप हमें नहीं काटेंगे। जिस तरह इंसान सांप से डरते हैं उसी तरह सांप भी इंसानों से डरते हैं, वो भी चाहते हैं कि हम इंसान से दूर रहें, और कहीं भी पैर पड़ जाने के बाद वो जो बाइट करना लाजमी है, क्योंकि कोई भी अगर इंसान सांप को सताएगा तो वो बाइट करेगा। तो इसे अभी जंगल में जाने देते हैं और बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, धन्यवाद। तो इसे अभी जंगल में जाने देते हैं, ये पर्यावरण का चीज है, पर्यावरण में रहेगा सुरक्षित रहेगा। ए यार भाग ले, बहुत अच्छी तरीके से ये फन फैला के सबको दिखा रहे हैं कि सांप ठीक है, और ऐसा वातावरण है कि यहाँ जंगल का माहौल कदा भाग गया, यहाँ ये बसेगा और इसे यहाँ अपने उचित आहार मिलेंगे, क्योंकि धान का इधर तू हमारे सामने जो गिलो पास कर लो, धान का खेती में अक्सर चूहा रहता है और इसका पसंदीदा भोजन चूहा है, क्योंकि अक्सर ये घर में जाते हैं, घर में अनाज रहते हैं और अनाज के पीछे चूहे जाते हैं, और सांप का पसंदीदा भोजन ये खास करके इंडियन स्पेक्टिकल का भोजन चूहा है, और चूहे के पीछे सांप जाते हैं। तो ज्यादा कुछ नहीं है, कहीं भी सांप दिखे तो आप लोग उसे मारे नहीं, हमें बुलाए, हम आएंगे उसे रेस्क्यू करेंगे और इसी तरह जंगल में छोड़ेंगे। धन्यवाद। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। भैया नमस्कार।
नमस्कार दोस्तों, अभी आए हैं फरवीसगंज और पटेल चौक के पास। यहाँ से भैया जी कॉल किए थे, तो यहाँ एक कॉमन वुल्फ स्नेक, तो उसी को अभी रेस्क्यू करने आए हैं। स्वागत है आपको आदर्श स्नेक रेस्क्यू में। तो आइए अभी इसको रेस्क्यू करते हैं और देखते हैं उसके बारे में कुछ आपको जानकारी देते हैं। ये कॉमन वुल्फ स्नेक है, जिसको कि घर में साखड़ सांप बोलते हैं। तो ये बिल्कुल नॉन वेनमस सांप है, इसके काटने से कुछ नहीं होता। ये अक्सर घर में ही पाए जाते हैं और इसका पसंदीदा भोजन छिपकली है, क्योंकि घर में लाइट रहता है और वहाँ पे छिपकली आते हैं, तो इसका पसंदीदा भोजन छिपकली है। वो छिपकली को खाने के लिए अक्सर हमेशा घर में आते हैं। अक्सर कॉमन वुल्फ स्नेक कभी भी जंगलों में नहीं पाए जाते हैं, हमेशा घर में पाए जाते हैं। लेकिन हम लोग आदर्श स्नेक रेस्क्यू टीम से आए हैं, तो हम लोग इसे रेस्क्यू करेंगे और इसे जंगल में छोड़ेंगे। हालांकि जंगल में भी इसका भोजन मिलता है, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ इसे रेस्क्यू करेंगे। ये बिल्कुल नॉन वेनमस है, इसमें कोई जहर नहीं होता है। ये अगर काट भी ले तो कुछ भी नहीं होता है। अक्सर खास करके अपने इलाका में अररिया, बिहार के अररिया जिला में केवल 3 ही सांप ऐसे हैं जो कि जहरीले होते हैं, जो कि है कोबरा, जिसे कि गोहमन बोलते हैं, और दूसरा है करेज, जो कि लास्ट में निकलते हैं। करेज जो है वो बिल्कुल कॉमन वुल्फ स्नेक जैसे ही होते हैं, ये भूरा है वो, लेकिन काला होता है। ठीक है, वो काला होता है और उसपे भी व्हाइट पट्टी होता है। जैसे इसमें व्हाइट पट्टी है लेकिन ये भूरा है, वो काला होता है और व्हाइट पट्टी होता है, तो वो कॉमन वुल्फ स्नेक है। और वो करेत है, उसमें बहुत ही ज्यादा जहर होता है। वो अगर इंसान को काटते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई चींटी काटा है, कोई परेशानी भी नहीं होता है, लेकिन 3 से 4 घंटे में उसकी मृत्यु होना तय है अगर तुरंत हॉस्पिटल नहीं गए। तो ये कॉमन वुल्फ स्नेक, ये बिल्कुल भी जहरीला नहीं है। अपने इलाका में बिहार के अररिया जिला में एक कोबरा, जिसे कि गोहमन बोलते हैं, दूसरा करेत, जो कि काला होता है उसमें व्हाइट पट्टी होता है, और तीसरा होता है बेंडेट करेत, जिसे कि अक्सर हम लोग के इलाका में सभी सांप का राजा बोलते हैं, जिसको गंगवार बोलते हैं, जो काला होता है और पीला पट्टी होता है। तो मात्र ये 3 ही सांप जहरीले होते हैं, बाकी अपना इलाका में पाए जाने वाला कोई भी सांप जहरीला नहीं है। वैसे तो 4 सांप जहरीले हैं, जो कि इसमें एक आता है रसल वाइपर, जो कि गर्मी के इलाके में पाए जाते हैं, पूर्वी चंपारण, बक्सर और पश्चिमी चंपारण के इलाके में पाए जाते हैं। तो अभी जो ये है, ये बिल्कुल ही नॉन वेनमस सांप है। अगर ये काट भी ले तो इससे कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर भी इंसान जो है मरता काहे है, वो एक भ्रम से मरता है। भ्रम इसलिए कि क्योंकि अगर कोई भी सांप काट ले तो उसका हार्ट अटैक से उसका मृत्यु हो जाता है, क्योंकि उसको पता नहीं होता है कि कौन सांप जहरीला है, कौन सांप जहर वाला है, कौन सांप बिना जहर वाला है। अगर उसको काट ले तो उसका डर से मृत्यु हो जाता है। हम लोग एक कोई भी इसमें ओझा धामी गुण मंत्र का कोई भी जरूरत नहीं है, यह सिर्फ एक हम लोग नॉलेज लिए हुए हैं, किताब पढ़े हुए हैं कि कौन सांप जहरीला है, कौन सांप जहरीला नहीं हुआ है, तो इसी हिसाब से हम लोग पकड़ते हैं। तो ये इसको रेस्क्यू करते हैं, अभी आराम से इसे हाथ में लेंगे, अगर ये काट भी ले तो इससे कुछ नहीं होता। देखिए ये नॉन वेनमस सांप है, इंडियन स्नेक रेड कॉमन वुल्फ स्नेक है, इससे कुछ नहीं होता है। देखिए देखिए काटने के लिए कितना सबको काटते हैं, अगर ये काट भी ले तो इससे कुछ नहीं होता है। ये कॉमन वुल्फ स्नेक है, अक्सर ये घर में ही पाए जाते हैं, इससे डरना नहीं है। लेकिन मेन बात है अपने, खास करके अपने इलाके में सांप से डर नहीं, सांप के नाम से डर होता है। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे है, क्योंकि सांप देख लिए तो यहाँ सांप के नाम से डर हो गया है। वैसे तो ये कॉमन वुल्फ स्नेक है, बिना जहर वाला है, ये काट भी ले तो कुछ नहीं होता है। लेकिन भैया लोग यहाँ काफी परेशान थे, नए थे, इनको जानकारी नहीं थी, तो हमने इसे जानकारी दिया, वीडियो में पूरा जानकारी है। तो इसे पकड़े, पकड़ने का कोशिश ना करें, क्योंकि हम लोग बहुत ही ट्रेनिंग के बाद इसे पकड़ने का कोशिश करते हैं। देखिए कॉमन वुल्फ स्नेक है, क्योंकि इसे कॉमन वुल्फ स्नेक इसलिए कहा जाता है, इसका मुंह भेड़िए की तरह है, भेड़िया एक वुल्फ को कहा जाता है, इसलिए इसका नाम कॉमन वुल्फ स्नेक है। इसे हम अभी यहाँ डब्बे में रेस्क्यू करेंगे और इसे जंगल में छोड़ेंगे। वैसे तो ये घर का सांप है, लेकिन जंगल में छोड़ना हम लोग का एक ही मोटो है कि पर्यावरण में सांप जीवित रहे, क्योंकि सांप के बिना पर्यावरण असुरक्षित है। एक सांप किसी भी किसान को बहुत ही फायदेमंद होता है, तो हम इसे रेस्क्यू करते हैं।
या डब्बे में डालते हैं। डर गया ये जितना कोई गार्जियन नहीं थे तो ये बहुत ही डरे हुए थे। तो ये सांप से डरना नहीं है, आप लोग को बता देते हैं कि ये कॉमन वुल्फ स्नेक है। अगर भूरा दिखे और उस पर वाइट पट्टी हो तो ये कॉमन वुल्फ स्नेक है, जिसको कि घर में हम लोग साखड़ बोलते हैं। ठीक है, धन्यवाद। क्या बोलते हैं? साखड़। साखड़ बोलते हैं, इसमें जहर नहीं होता है। लेकिन फिर भी आप सबसे अनुरोध है कि अगर कोई भी सांप काटे तो सबसे पहले आप अपने सदर अस्पताल जाएं, वहां पे एंटी वेनम सीरम मिलता है जो कि सांप का जहर को मिटाता है। ठीक है, बहुत सारे व्यक्ति क्या होते हैं कि डर से मर जाते हैं। अगर नॉन आप लोग सुने होंगे कि सांप काटा और फलना ओझा के पास गए वो ठीक हो गया। ठीक है, अगर ये सांप हमको काट ले भी, अगर हम ओझा के पास जाएं या नहीं जाएं हमको कुछ नहीं होगा, वो जाएगा तो ऑटोमेटिक है ठीक हो जाएगा। अगर वही इसके बदले अगर कोबरा काट ले, कोबरा सबसे उसमें हैवी सांप है, उसमें न्यूरोटॉक्सी नामक उसमें वेनम होता है, जहर होता है। कोबरा सांप अगर काटे नहीं 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 मरेगा इसमें आराम से, हम लोग मारते ही नहीं है, इसीलिए तो हम लोग हैं रेस्क्यू टीम। ये छोड़ देंगे उधर साइड में, अगर क्या बोलते हैं कोबरा सांप काटे तो कोबरा में न्यूरोटॉक्सिन नामक वेनम होता है, जहर होता है, जो कि काटने से इंसान थोड़ा थोड़ा उसका ब्लड सर्कुलेशन को खत्म कर देता है, उसको जमाने लगता है जिससे कि इंसान मर जाता है। ठीक है, तो कोई भी सांप काटे तो सबसे पहले आप लोग अस्पताल जाइए। हम लोग इसलिए है कि हम लोग को पता है कि कौन सांप में जहर है कौन सांप में नहीं है, तो हम लोग को ये सांप काटे तो हम लोग को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बहुत सारे व्यक्ति जो क्या है डर से मर जाते हैं, नर्वस के कारण हार्ट अटैक से मर जाते हैं। तो इसलिए सबसे अनुरोध है कि अगर सांप काटे तो हॉस्पिटल जाएं। वैसे इस सांप से में जहर नहीं है, हम आपको पहले भी वीडियो भी भेजे थे बिल्कुल हाँ, कि ये सांप में कुछ नहीं है, एक टंटा से आराम से आप बाहर कर सकते हैं। अगर काट भी ले तो कुछ नहीं, मैं तो छोटे जगह पे थी और बहुत सारे लोग लठीज लगाएंगे नीचे गिर जाएंगे, इसलिए नीचे भी गिर जाते हैं अगर हाथ से पकड़ लेते हैं आराम से। अगर काट भी लेते काट के दिखाए, नहीं 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 हम आपको वीडियो भेजे जिसमें ये सांप हमको काटा था, देखिए ये सांप हमको काटा है, उस भी वीडियो हम भेजे हैं। एक्सपीरियंस अलग होता है और ये यही सबसे बड़ी बात है, आप लोग को इसको छूने में भी डर लगे। हम लोग मेन बात है कि इसका पढ़े हुए हैं कौन सांप में क्या चीज है क्या नहीं है, चुहिए एक बार छू के देखो। वैसे अगर चुहिएगा तो डर कुछ नहीं है, और कोई भी ओझा धामी के चक्कर में मत पड़िए। ओझा धामी बोलते हैं कि अगर ये सांप काट ले अगर ओझा धामी के पास जाए तो हाँ इसमें छेद करेंगे, तो ये सांप काट ले अगर कोई भी ओझा के पास जाइएगा तो ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है तो क्या दिक्कत हाँ, इसमें जहर ही नहीं है। अगर ओझा के पास जाए नहीं भी जाए, सिर्फ डेटॉल से जहाँ पे काटा है ना, बड़ा सा कीड़ा मकोड़ा इधर उधर खाते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा वायरस वायरस हो जाता है, इन्फेक्शन इंसान के शरीर को जहर है, इन्फेक्शन होता है, थोड़ा सा घाव हो सकता है। ठीक है, बाकी और कुछ नहीं है। अगर इसी के बदले कोबरा काट ले उसमें जहर है, अगर ये सांप काट ले और ओझा के पास जाए तो ठीक कर देंगे, आदमी को विश्वास हो जाता है कि बाप रे ओझा के पास गए थे सांप काटा और सही हो गया। अगर कोबरा काट ले और ओझा के पास जाए, ओझा क्या बोलेगा, 5 मिनट पहले आते हैं तो हम बचा लेते, क्योंकि उसका बाप का भी औकात नहीं है कि वो बचा ले, क्योंकि उसके पास एंटी वेनम सीरम है और एंटी वेनम सीरम का इलाज जो है सांप के जहर से ही होता है। सांप अक्सर देखते होंगे नया नया वीडियो में, अभी हम लोग का भारत के बिहार में ऐसा कोई नहीं है कि सांप का जहर को निकाल के उसको दे और वो एंटी वेनम सीरम बनाए, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन गोवा में और अपना राजस्थान में ये दो जगह ऐसा है कि वहाँ का रेस्क्यूअर जो है वो एंटी वेनम उसका जहर निकाल के देते हैं और एंटी वेनम सीरम बनाते हैं, जो कि अगर सांप काटे तो वही एंटी वेनम सीरम, जैसे कि आपको सांप काटा कितना परसेंट आप में जहर है, 20% जहर है 5 सुई लगेगा आपको,
40% जगह रहे तो वही मेन वही सुई आपको 10 लगेगा। तो यही चीज है, तो अपना बिहार में तो ऐसा नहीं है, बिहार सबसे पिछड़ा है। अभी जो हम फारबिसगंज में कॉमन उर्फ स्नेक का रेस्क्यू किए थे उसे अभी रिलीज करेंगे। इसका कॉमन उल्फ स्नेक इसलिए नाम है क्योंकि इसका मुंह एक भेड़िए जैसा है और भेड़िए को लोग उल्फ बोलते हैं, इसलिए इसका नाम कॉमन उल्फ स्नेक है। तो इसे डरना नहीं है, ये बिल्कुल ही नॉन वेनमस सांप है, इसमें कोई जहर नहीं आता। लेकिन आप लोग से अनुरोध है, कोई भी सांप काटे तो सबसे पहले अस्पताल जाएं, आप लोग अंधविश्वास में ना पड़े, ओझा धामे के पास ना जाएं। हम लोग ट्रेनिंग लेने के बाद कितना कुछ करते हैं, ठीक है। तो अभी छोड़ गए हैं जंगल में। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे भी हमारा चैनल है और यूट्यूब पे भी हमारा चैनल है आदर स्नेक रेस्क्यू, उसे आप लोग प्यार दें। नमस्कार दोस्तों, अभी आए हम लोग नफद अंचल, तो यहाँ से कॉल आया था कि यहाँ एक सांप दिखा है। तो वीडियो आने के पश्चात हमको दिखा कि एक मोनोस्लेट या स्पेक्ट्रल कोबरा जैसा लग रहा है, तो ये इसे रेस्क्यू करेंगे और पता करेंगे कि ये कौन सा सांप है, क्योंकि प्राकृतिक में सांप को सांप का बचे रहना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो जहाँ भी सांप दिखता है तो लोग हमें कॉल करते हैं और हम आते हैं, उसे रेस्क्यू करते हैं और जंगल में उसे रिलीज करते हैं। तो आइए आज सूचना के अनुसार जाते हैं उसे रेस्क्यू करते हैं। दूध का है पिलाया, दूध नहीं पिलाना चाहिए। नहीं नहीं, नागदेव को दूध लगाने इसके अंदर में गया था, ठीक है। अभी किधर है हटा रहे होने से भूल गए था, तो थोड़ा नहीं पहुँचाना पड़ेगा। तो पैर मत दीजिए, हम नीचे गड्ढा खाइए, खाइए दरवाजा पूरा खोलो ना आदर। तो पूरा कैसे खुलते है, तो हम वीडियो की नहीं, उसको उधर खोलो, पूरा मिल गया, सब मिल गया। हाथ में देखिए डब्बा लीजिए, डब्बा लीजिए, इसको बंद कीजिए ना, फीवर आ गया, डब्बा लो ना, एगो डब्बा लीजिए ना पहले। नहीं है, अरे उसको भी पकड़ो ना,
आप लोग सब अभी पीछे जाइए, पीछे जाइए, आप लोग पीछे जाइए उसका। पता ही मर जाता है, एक सांप एक बार भोजन कर दिया तो 90 दिन तक जिंदा रह सकता है। सांप एक बार खिला देता है उसका दांत तोड़ के। आप लोग के तो बहुत अच्छा मतलब अच्छी है। हम लोग को जाने तो बहुत खराब था। हम लोग का तो जाने बैठवे करन तो उसको भी पकड़ा जाएगा। हो इसको रखेगा तो ना फिर पकड़ेगा उसको। बड़ा वाला डब्बा लगेगा, बड़ा वाला डब्बा, ऐसा डब्बा की डब्बा लेके चले जाएंगे उधर जंगल तरफ। ना जिसको को पकड़िएगा पकड़िए हाथ में। सरकारी जिसमें वोट न जीता दे उसमें रखने के लिए रखने के लिए प्लास्टिक डिब्बा में रखा जाता है। कोई जरूरी नहीं है प्लास्टिक ही डब्बा हो, डब्बा लाइए। लेकिन उसमें तो छेदा है अलग से, लाइए काले में नहीं बनेगा। उसमें नहीं रखो फिर फिर से तुरंत निकाल लिया जाएगा। नहीं 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 जैसे इसको रख के साथ स्पेशल कोबरा है जिसको कि गांव में गोहमन बोलते हैं। ये न्यूरोटॉक्सिन नामक खतरनाक जहर से लैस है। इसके अंदर दांत होता है और यहाँ एक 20 की धमनी होती है जो कि काटने के बाद तुरंत आदमी को हॉस्पिटल जाना चाहिए। कोई ओझा धामी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। और ये बहुत ही बड़ा साइज का है। अभी नरपतगंज प्रखंड के किसान भवन में ये घुसा हुआ था तो हमें कॉल आया और इसे हम रेस्क्यू करने आए हैं। इसे जंगल में जाकर रिलीज करेंगे क्योंकि ये पर्यावरण का चीज़ है। आजकल आबादी बढ़ रहे हैं तो ये भी बेचारे गांव घर चले आते हैं। जिस तरह सांप इंसान से डरते हैं और इंसान सांप से भी डरते हैं तो यही एक प्रकृति का नियम है। देखिए इतना बड़ा साइज का है ये कोबरा है। इसे भी हम डब्बे में पैक करेंगे और इसे जंगल में रिलीज करेंगे। स्पेक्टिकल कोबरा को रेस्क्यू करके लाए हैं और यहाँ हम रिलीज करने आए हैं। तो ये ऐसा वातावरण है, ये स्पेक्टिकल कोबरा के लिए ये सही जगह है। और ये इसे यहाँ अभी रिलीज करते हैं। ये बहुत ही बड़ा इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा है जो कि न्यूरोटॉक्सिन नामक खतरनाक जहर से लैस है। देखिए कितना जोर से फन मार रहा है और इसका फूंक सुनिए। ये फुफकार से अपने प्रतिद्वंदी को या फिर दुश्मन को डराता है और इसे भी निकालते हैं और इसे रेस्क्यू करते हैं। इतना बड़ा इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा है जो कि खतरनाक न्यूरोटॉक्सिन नामक खतरनाक जहर से लैस है। ये बहुत ही बड़ा इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा इसको बोलते हैं। बहुत ही बड़ा खतरनाक से जहर से ये लैस है। छोड़ना मत। नाम है इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा जो कि खतरनाक जहर से लैस है। और ये बहुत ही बड़ा घातक सांप है। अक्सर ऐसे सांप को आप लोग रेस्क्यू करने का कोशिश ना करें। हम लोग बहुत ट्रेनिंग के बाद इसे ऐसा करना सीखे हैं। मेरे सामने दौड़ना चाहिए।
इसे हम जंगल में जाने देते हैं, और ये क्योंकि ये पर्यावरण का चीज है तो पर्यावरण में रहना इसका बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और इसी का नाम इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा है, ये बहुत ही खतरनाक जहर से लैस है। ये जंगल का चीज है, जंगल में रहना इसे इसका ज्यादा जरूरी है। बट नहीं नहीं जाएगा। और जहाँ तक का सवाल है कि आदमी सांप से क्यों डरता है, ये देखिए इतना जोर से फन मारता है कि इंसान इसके फन से डर जाते हैं। इतना बड़ा फन है, इसे देख के ही डर जाते हैं। अक्सर ये कोई वस्तु पे फोकस करता है। देखिए कोई जो सपेरा जो इसका शरीर को हिलाता है वो बीन से इसी तरह हिलाता है। देखिए ऐसे हिल रहा है, इसका फोकस इसी पे है। इसे हम जंगल में जाने देते हैं क्योंकि ये जंगल का चीज है और बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। न्यूरोटॉक्सिन नामक खतरनाक जहर से भी लैस है, तो इसके साथ ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करेंगे। पर्यावरण में रहेगा, ये सुरक्षित रहेगा, फिर से इंसानी इलाके में नहीं जाएगा और कोई इंसान को ये तकलीफ नहीं पहुंचाएगा। क्योंकि जितना इंसान सांप से डरते हैं, सांप भी इंसान से उतना ही डरते हैं। तो इसके साथ ज्यादा छेड़छाड़ ना करते हुए इसे जंगल में जाने देते हैं। भगा हम पकड़े आगे से वीडियो बना तेरे को अगला पोजिशन रुको। किस करो तो उधर से कर ले। न्यूरोटॉक्सिन नामक खतरनाक जहर से लेस ये इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा जो कि बहुत ही खतरनाक सांप है, तो इसके साथ ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करेंगे और इसे जंगल में जाने देंगे। रुको रुको अभी मत छोड़ना। जंगल का चीज है ये, यहाँ रहेगा पर्यावरण में सुरक्षित रहेगा। इसका पसंदीदा भोजन चूहा है जो कि इसे आसपास जंगल में बहुत ही ज्यादा खाने को मिलेगा। ये ऐसा इलाका है कि यहाँ चूहा बहुत ज्यादा रहेगा, तो इसे खाने में कोई समस्या नहीं होगी क्योंकि अक्सर इसका जो पसंदीदा भोजन चूहा है, हम पे आंख है, चूहा के कारण ही ये अक्सर घर जाता है, किसी के घर में जाता है या फिर इंसानी बस्ती में जाता है। क्योंकि इंसान घर में अनाज रखते हैं, अनाज के पीछे चूहा आते हैं और चूहे के पीछे ऐसे खतरनाक न्यूरोटॉक्सिन नामक खतरनाक जहर के लिए सांप आते हैं। तो आखिर हर चीज एक दूसरे से मिला हुआ है, तो जहाँ भी आपको सांप दिखे तो उसे घबराए नहीं, डरे नहीं, हमें बुलाए, हम आएंगे, उसे रेस्क्यू करेंगे और इसी तरह जंगल में रिलीज करेंगे। आप इसे जंगल में जाने देते हैं। धन्यवाद। भगाओ ना, जा कहाँ रहा है? चल, चल, मत, मारे वो रे, मारे वो रे, मारे वो रे। ओह पलट गया, तो क्या दौड़ता ना हो? चल चल। हाँ हाँ। भगा भगा ना, भगा भगा। हेलो तुम मोबाइल को बना। ये जा रहा है, ये जंगल का चीज है तो जंगल में रहेगा, ज्यादा बेहतर होगा। इसे यहाँ इसके मन के अनुसार भोजन मिलेगा तो ये ज्यादा सुरक्षित रहेगा। पकड़ भागी। मारा चले गया है जंगल में, इसे जाने देते हैं और हम लोग भी
अपने घर, ये भी अपने घर में सुरक्षित। धन्यवाद। सपेरा जब भी कोई तीन बजाता है तो उसकी जो पूंछ होती है वो उसके सामने ऐसे ऐसे करता है जिससे सांप नाचता है और दूसरे को बताते हैं कि। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। नमस्कार दोस्तों, अभी फरबीसगंज आए हैं तो भैया जी कॉल किए थे तो गोयल स्कूल के पास यहाँ एक बहुत बड़ा इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा है जो कि साइज में बहुत ही बड़ा है और रात को अभी कॉल किए हैं। तकरीबन कितना टाइम हो रहा है? दस बज रहा है। तो ये कौन सा एरिया है? गोयल स्कूल। तो गोयल स्कूल के पास से अभी सूचना मिला है और हम अभी आए हैं रेस्क्यू करने के लिए। भैया लोग बहुत अच्छे हैं, इन्होंने मारा नहीं और तुरंत हमें सूचना दिया और आए हैं। हर समय की तरह इस बार भी इसे पकड़ेंगे, इसका रेस्क्यू करेंगे और इसे इसका स्थान जो कि जंगल है, पर्यावरण है, वहाँ इसे छोड़ेंगे। और आइए आपको दिखाते हैं। डब्बा कहाँ लाए? बहुत ही बड़ा इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा है जो कि देखने में इतना खतरनाक है जिसका जवाब नहीं है। देखिए ये छोटा है लेकिन बहुत ही ज्यादा खतरनाक। इसी का नाम इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा है, बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। ये छोटा साइज का है और डब्बा लाके दीजिए। ये छोटा साइज का है लेकिन बहुत ही ज्यादा विशाल है और बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इसके काटने से तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए क्योंकि इसी के अंदर न्यूरोटॉक्सी नामक खतरनाक जहर रहता है जिसका अगर ये काट ले तो इसके अंदर ये अपना जहर छोड़ देता है और उसका एक ही इलाज है एंटी वेनम सीरम जो कि सरकारी हॉस्पिटल में मिलता है। आपके एरिया का कोई भी सरकारी हॉस्पिटल में मिलेगा, ये अन्य किसी जगह कोई ओझाधामी तंत्र मंत्र के पास नहीं मिलेगा। तो आप लोग अगर कोई भी सांप काटे तो हमें इन्फॉर्म करें और अपने नज़दीकी अस्पताल में जाएं और जिससे कि आपका जान बच सकता है। उतना छोटा होगा नहीं हो पाएगा, घुसबन करेगा। जो कि कोबरा प्रजाति का बहुत ही खतरनाक सांप है। कोबरा प्रजाति में दो तीन प्रकार के कोबरा होते हैं, मोनोसलेट कोबरा, ये स्पेक्टिकल कोबरा है क्योंकि इसके फन पे स्पेक्टिकल जैसा बना हुआ है। उसके अंदर खतरनाक न्यूरोटॉक्सिन नामक जहर है जो कि इंसान को मारने के लिए काफ़ी है। इसका थोड़ा सा बूंद इसका जहर वाला दांत दिखाते हैं। देखिए इसके अंदर ये खतरनाक जहर है जो कि अपने ग्रंथि से, इसका यहाँ विष वाला ग्रंथि है, ये विष का ग्रंथि है और ये खतरनाक जहर है। देखिए ये जहर छोड़ रहा है, देखें ये किसी को काटता है थोड़ा सा जहर उसका ब्लड में दे देता है जिससे कि ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है, धीरे धीरे आदमी को हार्ट अटैक आ जाता है और आदमी मर जाता है। और डब्बा नहीं लाया है, डब्बा नहीं है, बोरा होगा, हो जाएगा बोरा में। फिर बोरा बना ले ना, देखिए बना ले रख ले, आओ रस्सी दे दो, रुकिए हम रस्सी लाते हैं। पहले चेक कीजिए इसको, दो चेक करने पहले चेक कीजिए तो कहीं फटा हुआ है, छेद भी है थोड़ा सा। अंदर में हाथ घुसा देखिए फटा हुआ तो। अरे लाइट बंद, अपने लाइट बाहर निकल के पता चल Thank you.
भेजिए नहीं तो कुछ है भेजने वाला। YouTube पे सर्च कीजिए ना आदर्श स्नैक रेस्क्यू आ जाएगा चैनल स्नैक रेस्क्यू। तो इसे हम डब्बे के अभाव के कारण इसे हम बोरा में पैक किए हैं, तो खास करके बोरा में कोई भी नया रेस्क्यूअर पैक करने का कोशिश ना करें। हम लोग काफ़ी प्रशिक्षण के बाद ऐसा करना सीखे हैं, और खास करके डब्बा में पैक करना सुरक्षित होता है और इस बोरी में पैक करना थोड़ा खतरनाक होता है, लेकिन एक्सपर्ट के लिए कोई भी चीज़ खतरनाक नहीं होता है। तो वीडियो को लाइक दीजिए और आदर्श स्नैक रेस्क्यू चैनल को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए, एक फेसबुक पे पेज है आदर्श स्नैक रेस्क्यू उसे भी लाइक कीजिए। तो रात के लगभग 10-11 बजे कॉल आया था, तो हमने फरीदगंज के गोयल स्कूल के पास एक वहां से कॉल आया, तो हमने एक इंडियन स्पेक्ट्रल कोबरा रेस्क्यू किया है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और बहुत ही बड़ा साइज का है, और इसे तो हमने लगभग 10 बजे रात में रेस्क्यू किया, पूरा रात हमने इसे रखा और आज अभी इसको रिलीज करने आए हैं जंगल में। तो आइए दिखाते हैं और इसके बारे में कुछ जानकारी बताते हैं। ज्यादा एग्रेसिव हो चुका है और खतरनाक भी लग रहा है। तो ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक सांप है और काफी मुशक्कत के बाद इसे हमने पकड़ा है, और ये जंगल का चीज है, जंगल में रहने वाला है तो इसके साथ ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करेंगे और जंगल में इसे जाने देंगे क्योंकि बहुत ही बड़ा साइज का है। इसी के अंदर मोनोटॉक्सिन नामक खतरनाक जहर रहता है जो कि इंसान को काट ले तो तुरंत 1 घंटे के अंदर अगर हॉस्पिटल नहीं जाए तो उसका मरना तय है। इसीलिए जैसा कि हम हर वीडियो में बताते हैं कि कोई भी सांप अगर काटे तो तुरंत उसे हॉस्पिटल ले जाएं, क्योंकि सांप को बचाने का एक ही दवाई है एंटी वेनम सीरम जो कि सरकारी हॉस्पिटल में है। देखिए इतना बड़ा साइज का है, वैसे तो ये शायद कट गया है क्योंकि जब साल में कोई भी सांप 2-3 बार केचली छोड़ता है तो धीरे धीरे उसकी हाइट कम होती जाती है। देखिए इसका हाइट बहुत ही कम हो गया है, ये खतरनाक इंडियन स्पेक्ट्रल कोबरा जो कि बहुत ही खतरनाक जहर चल रहा है। इतना एग्रेसिव है ये कि बाइट करने का बहुत कोशिश कर रहा है,
ये काफी हद तक ऊंचाई तक उठ सकता है अगर ये गुस्सा हो गया है बहुत ज्यादा, इसके साथ ज्यादा छेड़छाड़ ना करते हुए जंगल में जाने देते हैं। ये इंडियन स्पेक्ट्रल कोबरा देखिए, वैसे ये भी काफी थक चुका है और काफी ज्यादा वजन होने के कारण इसको बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो गया है, इसका ज्यादा स्पेक्ट्रल नहीं करेंगे और ऐसे ही छेड़छाड़ करने से ये बहुत गुस्सा हो जाते हैं और इंसान को बाइट कर लेते हैं और इसका बाइट का एक ही इलाज है जो कि एंटी वेनम सीरम है, इसे भी जाने देते हैं। आराम से जंगल का चीज है, पर्यावरण का चीज है, पर्यावरण में रहेगा सुरक्षित रहेगा। वैसे काफी गुस्सा गया था ये और कोई भी सांप गुस्साने के बाद वो अटैक करने की कोशिश करते हैं और वैसे भी अटैक करते करते ये भी थक चुका है और हम भी थक चुके हैं। तो कोई भी सांप अगर काटे तो सबसे निवेदन है कि पहले हॉस्पिटल जाए, किसी वजह धामी के चक्कर में ना रहे। इतना बड़ा साइज का है बिग साइज इंडियन स्पेक्ट्रल कोबरा, आज बहुत दिनों के बाद इसे रेस्क्यू करने का मौका मिला है। इससे भी काफी पुराना अगर कोबरा रहता है तो इससे भी ज्यादा दूर तक हाइट तक ये अपना फन फैलाता है, जो कि इसका उम्र अभी लगभग 5 से 7 साल का होगा ये, और एक सांप की आयु कम से कम 20 साल होती है, तो ये सांप 20 साल तक जीते हैं। जो कि अक्सर आप लोग देखते होंगे कि सपेरा आता है और सांप को निकाल के उसे बीन से नचाता, तो वो एक कोई भी उसके पास कुछ नहीं होता, बीन से नहीं नचाता है, वो कोई भी चीज को मोमेंट को देखता है। जैसे हम ये बोरा इसके इर्द गिर्द से घुमा रहे हैं तो इस पे फोकस करके ये नाच रहा है, तो इसी तरह वो सपेरा करता है और दूसरे को अंधविश्वास फैलाता है कि सांप नाचता है, ये होता है, सांप मनी उगलता है। वैसा कुछ नहीं है, कोई भी सांप ना मनी उगलता है ना ही कुछ करता है, वो एक कोई भी चीज हिलता हुआ चीज देखो मोमेंट करने के साथ साथ वो भी हिलते हैं। जैसे अभी देखिए ये एक तरह से डांस ही कर रहा है, तो सपेरा जब भी कोई बीन बजाता है तो उसकी जो पूंछ होती है वो उसके सामने ऐसे ऐसे करता है जिससे सांप नाचता है और दूसरे को बताते हैं कि यह नाग जो है डांस कर रहा है, नाच कर रहा है, नागिन नाच कर रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ ये एक मूवमेंट हिलता हुआ चीज पे मूवमेंट को फोकस करते हैं और उसी तरह से अपना सारा कुछ देते हैं। देखिए इधर आया तो कोई भी चीज अगर अंधविश्वास में ना रहे, जहां भी सपेरा को देखें उसके साथ अगर सांप रहता है तो उसे सांप को लेके उसे जंगल में छोड़ने का कोशिश करें, क्योंकि कोई भी सांप जो है वो सपेरा के पास रहता है उसकी विष की ग्रंथि तोड़ देती है और उसके दांत को तोड़ देते हैं, तो वैसे सांप का तो दांत वापस आ जाता है लेकिन सांप की जो ग्रंथि है तू कर अच्छा वो वापस नहीं आता है। जैसे कार रेसिंग कर लेते होते कितना आदमी जो होते बाइक रेसिंग, तो कोई भी सांप को अगर सपेरा पकड़ता है तो उसे दांत तोड़ देते हैं तो दांत तो वापस आ जाता है लेकिन उसकी ग्रंथि विष की ग्रंथि वापस नहीं आती है, क्योंकि कोई भी सांप को अगर कोई चूहा खाता है तो उसे पचाने का क्षमता उसका जहर है और सपेरा लोग क्या करते हैं उसे जहर की ग्रंथि ही निकाल देते हैं, जिससे कोई भी सांप कम से कम 1-1.5 महीने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि ऊपर वाले ने इसे ऐसा नेचर दिया है कि बिना खाए पिए एक सांप 35 दिन तक 40 दिन तक जीवित रह सकते हैं। तो सपेरा के पास कोई भी सांप हो उसे ग्रंथि निकालने के बाद वो 35 से 40 दिन तक जीवित रहते हैं, उसके बाद वो मर जाते हैं, जो कि बहुत ही बुरा चीज है और हम लोग का काम है कि सांप को पर्यावरण में जीवित रहना।
अगर किसी के घर में निकलता है तो हमें फोन करते हैं और हम आधी आधी रात को उठ के जाते हैं और उसके घर से इस सांप को रेस्क्यू करते हैं और यहाँ ऐसे जंगल में छोड़ते हैं ताकि सांप बचा रहे, पर्यावरण में बचा रहे, क्योंकि ये सांप जो है पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा है। जिस तरह पेड़ पौधे पर्यावरण के लिए अच्छा चीज है, उसी तरह सांप भी है। तो सबसे निवेदन है कि जहाँ भी सांप दिखे हमें बुलाएं, हम आएंगे, उसे रेस्क्यू करेंगे और उसे इस तरह जंगल में रिलीज करेंगे। देखिए कितना अच्छा से फन फैला रहा है। इसके फन के पीछे एक इसका नाम इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा है। इसका नाम स्पेक्टिकल कोबरा इसलिए पड़ा है क्योंकि ये जो है पीछे से इसका स्पेक्टिकल टाइप का बना हुआ है। देखिए पीछे जूम करके, पीछे फन के पीछे एक इंडियन स्पेक्टिकल जैसा बना हुआ है, इसलिए इसका नाम इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा है। और कोबरा प्रजाति के 5-6 सांप ऐसे होते हैं जो कि कोबरा प्रजाति के हैं। कोई मोनोसुप्लेट कोबरा है, इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा है, किंग कोबरा है। तो ये स्पेक्टिकल कोबरा है, इसके अंदर भी वही न्यूरोटॉक्सिन नामक खतरनाक जहर है, इसके ज्यादा और कुछ नहीं है। लेकिन ये सांप बहुत समझदार होते हैं, ये जब भी काटते हैं तो इसका लगभग 70-80% बाइट फॉल्स होती है, उसमें वो जहर नहीं छोड़ते हैं, खास करके ये सांप। बाकी इसके अलावा अगर कोई करेत हो या फिर बैंडेड करेत हो, वो सब सांप अगर काटते हैं तो फर्स्ट बार में ही अपना जहर छोड़ देते हैं। तो अक्सर देखते होंगे, कहीं भी सुने होंगे कि ये इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा, जिसे कि गोहमन गांव में बोलते हैं, इसे काटने से लगभग 80-90% आदमी बच ही जाते हैं, क्योंकि ये सांप ही बहुत ज्यादा समझदार है। क्योंकि ये अगर काटते हैं तो फर्स्ट बाइट में अपना जहर नहीं छोड़ते हैं। वैसे तो कोई भी सांप काटते नहीं है, जब तक हम उसे परेशान नहीं करेंगे, अगर उसके ऊपर पैर नहीं देंगे तो कोई सांप हमें नहीं काटेंगे। जिस तरह इंसान सांप से डरते हैं, उसी तरह सांप भी इंसानों से डरते हैं। वो भी चाहते हैं कि हम इंसान से दूर रहें और कहीं भी पैर पड़ जाने के बाद वो जो बाइट करना लाजमी है, क्योंकि कोई भी अगर इंसान सांप को सताएगा तो वो बाइट करेगा। तो इसे अभी जंगल में जाने देते हैं और बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, धन्यवाद। इसे अभी जंगल में जाने देते हैं, ये पर्यावरण का चीज है, पर्यावरण में रहेगा सुरक्षित रहेगा। यार भाग ले। बहुत अच्छे तरीके से ये फन फैला के सबको दिखा रहे हैं कि सांप दिखे, और ऐसा वातावरण है कि यहाँ जंगल का माहौल कदा भाग गया, यहाँ ये बसेगा और इसे यहाँ अपने उचित आहार मिलेंगे, क्योंकि धान का इधर तू हमारे सामने जो तर गिलो पास कर लो। धान का खेती में अक्सर चूहा रहता है और इसका पसंदीदा भोजन चूहा है, क्योंकि अक्सर ये घर में जाते हैं, घर में अनाज रहते हैं और अनाज के पीछे चूहे जाते हैं, और सांप का पसंदीदा भोजन खास करके इंडियन स्पेक्टिकल का भोजन चूहा है, और चूहे के पीछे सांप जाते हैं। तो ज्यादा कुछ नहीं है, कहीं भी सांप दिखे तो आप लोग उसे मारे नहीं, हमें बुलाएं, हम आएंगे, उसे रेस्क्यू करेंगे और इसी तरह जंगल में छोड़ेंगे। धन्यवाद।